सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में, मोस्ट 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 वेलकम है। आज है संडे और ये तो मैं जब आप लोगों से बात कर रही हूँ काफ़ी लेट हो गया है, मतलब नाइट में बात कर रही हूँ। आज आप सबको मेरी आवाज़ से थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हूँ या फिर थोड़ी सी वीक हूँ या फिर थोड़ी सी बीमार जैसी लग रही हूँ ना, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। क्योंकि जब हम रोज़ किसी को देखते हैं ना तो उसको देखकर ही हम समझ जाते हैं कि आखिर इसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है या क्या है। तो सच में मुझे प्रॉब्लम है आज, सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा परेशान की थी सुबह से। तो सुबह से ना वैसे मैंने ब्लॉग शूट किया था जैसे खाना बनाने का वगैरह वगैरह, हम जानते हो कि हुई है। खुशी ले आई थी कच्ची कैरी और वही मैं खा के तुरंत मैंने पानी पी लिया ठंडा फ्रिज का, और मुझे लगता है उसके आधे घंटे बाद ही मुझे सर्दी जैसी होने लगी, जुकाम जैसी। जब मैं कल रात को मैंने वीडियो कॉल किया था ना तभी मुझे हल्की हल्की सर्दी लग रही थी, क्योंकि उसके एक घंटे पहले ही मैंने खाया था। तो मुझे लगा नॉर्मल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पूरी रात बीतते 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 इतनी भयानक वाली सर्दी हो गई। और अभी ना मैंने दवा खाई है, तब यूनिक का मैंने काम किया है, बट रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन नहीं था। अभी दवा खाई हूँ तो बुखार में आराम है और थोड़ी सी वीकनेस में भी कमी आई है, लेकिन आँखों में लालिमा है, क्योंकि जुकाम सर्दी होती है तो लालिमा उससे भी रही आती है। और यहाँ फैन है नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। सोच रही थी आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ, वीडियो का एंड कर दूँ, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं हो पाया है, मैंने किचन वाले रूटीन इसमें ज़्यादा डाल दिया है। और शोर बच्चे मचा रहे हैं, यूनिक के टाइम में ना खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। इसी टाइम में थोड़ा सा ये होता है ठंडा है मौसम, खेल लें तो इसी टाइम सड़क में ना इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है ट्रैक्टर गाड़ियों की, क्या बताऊँ। बच्चों की खेलने के लिए ना स्पेस हमारे यहाँ नहीं है, जस्ट जहाँ हम लोग रहते हैं जस्ट पास में नहीं है, क्योंकि बच्चों की खेलने की जगह थोड़ी सी हटके होनी चाहिए सड़क से दूर, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत है, बच्चे इसलिए खेल नहीं पाते। कितनी जगह में खेलें और बच्चे कम से कम घंटे दो घंटे ना खेलें तो अच्छा भी नहीं होता ना। एक्सरसाइज मेन बच्चों का यही है खेलना। तो चलिए फिर अभी उन्हीं से ब्लॉग मैंने शुरू किया है, तो ब्लॉग में आप सब बने रहेगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालत एकदम खस्ता है और जानते हो पसीना इतना ज़्यादा क्यों आ रहा, दवा मैंने खाई ना बुखार वाली, तो जाओगे ना बुखार वाली तो आपके पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए पसीना आ भी रहा वैसे भी। चलिए फिर बने जरूर रहिएगा, ठीक है, मिलती हूँ कुछ देर बाद। और 3-4 सिस्टर के कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे मैं। प्रभु की पूजा हो गई है, आरती मैंने कर लिया है, गर्मी देखो कितनी ज़्यादा हो रखी है। और मुझे इतना प्यारा गिफ्ट मिला है, न्यू फोन, कितना सुंदर है देख लीजिए। मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी ओम शिव। तो ये सब नहाने जा रहे थे, इन लोगों को मैंने डांट लगाया, 7 बज रहे हैं 7 बजे शाम को नहा रहे हैं, ऐसे भी जानते हो मौसम ख़राब हो रखा है, मेरी खुद तबीयत ख़राब है। और बस बच्चों को मैंने डांट लगा दी है, वो लोग अब नहीं नहाएंगे। मैं बनाने जा रही हूँ खाना, खाने में क्या बनने जा रहा है, पालक पनीर, आप सब समझ लीजिए देख कर कि क्या बनने वाला है। पनीर की जगह आलू ऐड करूँगी और सारे मसाले वैसे ही डालूँगी जैसे पालक पनीर में डाले जाते हैं, जैसे बनाया जाता है उसी तरह सेम बनाऊंगी, बट आलू ही ऐड करूंगी, पनीर नहीं। और मेरे बच्चे ना इसे पालक पनीर ही कहते हैं, वो मतलब पनीर इसमें पड़ी हो या ना पड़ी हो कोई उनसे मतलब नहीं है, वो यही कहते हैं मम्मी आप पालक पनीर बना दो, आलू मैं अच्छे से तल के मतलब बना देती हूँ, स्वाद सच में अच्छा लगता है आलू का भी, पालक इसमें पनीर डाल दो तल के वो बात अलग है, लेकिन सेम वैसे ही लगता है खाने में, हल्का फुल्का फ़र्क हो जाता है क्योंकि पनीर पनीर है, आलू आलू है, कहते हैं ना कुछ अंतर तो होता ही है। ये देखिए ग्रेवी वैसे ही बनाऊंगी जैसे पालक पनीर की रहती है। तो आप सबको ये सब्ज़ी पसंद होगी, मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना ये सब्ज़ी, इस सब्ज़ी को मैं बनाती ही ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है चावल के साथ, मतलब ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो, मसाले थोड़े ज़्यादा हों, तेल ज़्यादा हो तो ज़्यादा खाने में मज़ा आती है, वैसे भी तेल मैं ज़्यादा ही डालती हूँ।
तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। ये नाइट का मेरा डिनर है बनने जा रहा है, 8:30 बज रहे हैं रात के। कभी कभी ना खाना बनाने में लेट हो जाता है, अगर बनाने में लेट होता है तो खाने में भी लेट होता है, फिर मॉर्निंग में जल्दी नींद नहीं खुलती, यह प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा होती है। फिर अंत में डालूँगी थोड़ा सा पनीर मसाला, क्योंकि बता रही हूँ ना मैं पनीर की जैसे ही बना रही हूँ, बस पनीर नहीं डाल रही हूँ बस मतलब वही हाल है, क्या कहते हैं, शादी हो रही है दूल्हे का पता नहीं, मतलब बन रही है पालक पनीर, मेन पनीर का पता ही नहीं है, कुछ ऐसा ही जो होता है, नाम पनीर है और कुछ नहीं, पनीर का यहाँ नामो निशान नहीं है। ये देखिए अच्छे से मैंने भून लिया है, फ्राई कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, नमक अंत में डालूँगी, लेकिन बहुत ही यम्मी सा स्वाद आया है। अभी तो मैं एडिट कर रही हूँ ना, जब मैंने इसे शूट किया था, जब हम लोग खाए थे तो सच में यम्मी सा स्वाद आया था, क्योंकि दीदी के यहाँ से जब से आई हूँ ना कुछ अच्छा सा खाई नहीं हूँ, तो मुझे ये कुछ खास ही लगा है। वैसे भी बाहर जाओ ना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, तो घर अपने आओ ना तो ऐसा लगता है कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर रोज़ हम वो खा भी नहीं सकते, नुकसान भी करता है और हम शायद उतना देखिए मैनेज भी नहीं कर पाते हैं ना, महंगाई के ज़माना है, तो नॉर्मल सी ही लाइफ हम सबकी होनी चाहिए खाने पीने में। ये थोड़ा सा ना रस्सा मेरे सब्जी में रहता ही है, क्योंकि मेरे घर में बच्चे, मैं और हस्बैंड सब लोग रस्से वाली सब्जी ही खाते हैं। ये बन गई है रोटियाँ, चलिए फिर खा पी के मिलती हूँ आप सबके कमेंट के रिप्लाई करते हुए, ठीक है। एक भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है, उनके चैनल का नाम है क्रेजी अनुराग FF, क्रेजी अनुराग FF। वो बोले थे साधना जी आप सीधे तुलसी के पेड़ ले आइए और लगा दीजिए, तुलसी को जब आप बीज बोते हो तो उसकी शादी करवानी पड़ती है तुलसी माँ की, यानी शालिग्राम जी से। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मेरी मम्मी भी बताया करती थी कि शालिग्राम के साथ शादी करवानी पड़ती है पूर्णमासी के दिन, कार्तिक में, कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है उस दिन। तो शादी तो हम लोगों ने कभी नहीं करवाई, लेकिन ज़्यादातर मैं तुलसी ऐसे बीज डाल के ही बोती हूँ, वही उगती हैं, कहते हैं उनमें जो पुण्य होता है ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं बोती तो ऐसे ही हूँ, लेकिन आपने सजेशन दिया है तो मैं सोचूंगी किसी के यहाँ अगर प्लांट मिल जाएगा तुलसी का तो मैं उसे भी लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे आप लोग ना अच्छे से सजेशन देते हो ना तो अच्छा लगता है, तो ये सजेशन मैं ज़रूर लूँगी क्रेजी जी, थैंक यू सो मच। 2-3 कप आज इतनी ज़्यादा मात्रा में मैंने चाय पी है, उसका मेन रीज़न ये है कि सर में इतना भयानक वाला दर्द था, तो मुझे लग रहा था चाय शायद दर्द को दबा दे, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ देर के लिए राहत मिली थी मुझे चाय पीने के बाद, घंटे बाद फिर वही हाल हो गया है, क्योंकि अगर सर दर्द है जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगा, जब तक इसकी मैं दवा नहीं कराऊंगी तब तक इसमें आराम नहीं होगा। चाय वाय तो सिर्फ 5 मिनट के लिए राहत देते हैं, रियल में हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ दवा से ही ठीक होती है फ्रेंड्स जी। रोटी बना के मैंने थोड़ी सी बात आप लोगों से करी थी, अभी खाई हूँ खाना, तो अब खा के मैं सोच रही हूँ अपनी वीडियो ज्वाइन कर दूँ। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स, बाय बाय।